ही जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है क्या हुआ? देखो ना अम्मा जी, जलेबी भाभी फिर शौच को खेत में चली गई। पेट में दर्द है उनके। मैंने कहा घर में शौचालय है उसमें चली जाओ, मगर नहीं, कहती हैं घर में कोई शौच जाता है। मैं तो बाहर ही जाती हूँ और बाहर ही जाऊंगी। ये तो गलत बात है। इस तरह खुले में शौच जाने से हम सीधे सीधे बीमारियों को न्योता देते हैं। सब समझाया अम्मा जी मैंने, पर मजाल है कि जलेबी भाभी कोई बात सुनना चाहे। अरे वाह अम्मा जी, कितना बड़ा गांव है आपका। अच्छा हुआ मैं अपनी मन्नत उतारने यहीं चली आई। लगता है अम्मा जी बाजार गई थी। क्या लाई हैं? केला, अनानास, सेब। हाँ सेब खाती हूँ। जलेबी, तू अभी शौच से आई है, पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धो ले। लो अम्मा जी, आप क्या मुझे ऐसा वैसा समझते हो? हाथ तो मैंने वहीं धो लिए थे। हाँ। पानी से? हाँ राधा, पानी से। अरे वहाँ ट्यूबवेल लगा है ना खेतों में, वहीं पर देख कितने साफ हो गए मेरे हाथ। देख देख। ओहो अरे फिर भर लिया खुद को, सवेरे से तीसरी बार कर चुका है। भाभी तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरह गली में? हाँ हाँ मल नहीं फेंकते, बीमारियाँ फैलती हैं। अरे तू है तो मेरी दूर की ननद, पर हक बिल्कुल सगी वाला जताती है। और बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं, और भला इनका शौच कोई गंदा होता है क्या? भाभी तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? इस तरह जलेबी, चल मैं तुझे अपना गाँव दिखा लाती हूँ। अरे वाह अम्मा जी, मैं बस झटपट धोती बदल कर आई। हाँ तो मैं तुझे दिखा रही थी, ये है हमारा गांव। और क्या तो चाचा खेलने पे तुमने सुकर से खाए। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते लक्ष्मी। आओ अंदर आओ। नहीं नहीं आज अंदर नहीं आऊंगी। ये हमारी राधा की दूर की भाभी है जलेबी। नमस्ते। थोड़े दिन हमारे यहाँ रहने आई है, अब ननद भाभी में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई तो मैं इसे गांव घुमाने ले आई। वो क्या है ना कि जलेबी ने अपने मुन्ने का मल साफ करके गली में फेंक दिया, इस पर राधा जब बिगड़ी। जलेबी बहन, मेरी आदत भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, मैं भी बिल्कुल वही करती थी जो तुम करती हो। फिर एक दिन मेरी गुड़िया की तबीयत बहुत बिगड़ गई, तब मुझे समझ में आया किसी ने अपने बच्चे का मल ऐसे ही फेंक दिया होगा, तभी मेरी बच्ची बीमार पड़ी होगी। वो कहते हैं ना कि जब खुद पर पड़ती है तब इंसान की आंखें खुलती हैं। मेरी गुड़िया बहुत बीमार पड़ गई। पर बच्चे का मल ऐसे फेंकने से कोई बीमार हो सकता है क्या? हाँ जलेबी, और वो बीमारियां भी ऐसी जो उसे जन्म भर के लिए अपंग कर सकती है, इसलिए कभी भी बच्चे का मल इस तरह खुले में नहीं फेंकना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए अम्मा जी? उसे शौचालय में बहाना चाहिए या फिर गड्ढा खोदकर उसे दबाना चाहिए। अच्छा। हाँ बहन, ऐसा करने से बच्चे के मल में जो कीटाणु होते हैं वो फैलते नहीं, इससे अपना बच्चा भी स्वस्थ रहता है और दूसरे के भी। और जलेबी, किसी को भी पानी के पास, रास्तों में, घरों के आसपास कभी भी शौच को नहीं जाना चाहिए, ऐसा करने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। अब तुम भी मेरे एक सवाल का जवाब दो कि बच्चे के मल को निपटाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? एक, घर में शौचालय का प्रयोग करना। दो, अगर शौचालय ना हो
तो बच्चे के मल को उसी समय मिट्टी में दबा देना चाहिए। सही जवाब है, बच्चे के मल को निपटाने का सबसे सुरक्षित तरीका है घर में शौचालय का प्रयोग करना। अगर शौचालय ना हो तो बच्चे के मल को उसी समय मिट्टी में दबा देना चाहिए। जी अम्मा जी, क्या हुआ? देखो ना, किसी ने रास्ते में, ओहो, मेरा सारा पैर, कितनी बदबू आ रही है। अब मैं क्या करूं अम्मा जी? चल, वहाँ पानी है, मैं तेरा पैर धुलवा देती हूँ। अम्मा जी, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बात गुस्से की नहीं है, बात समझने की है। देख, ये जो तेरा पैर गंदा हुआ है, इसमें अब कीटाणु है, और अब ये कीटाणु हमारे जूतों चप्पलों से लगकर हमारे घर में आ जाते हैं, और फिर घर से खाने में, और खाने के रास्ते हमारे शरीर में, और फिर लगती है हमें बीमारियाँ। और वो सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाते, या फिर घर में बने शौचालय का प्रयोग नहीं करना चाहते। अम्मा जी, मेरा पैर। ओ, चल, शबनम का घर पास में ही है, चल वहाँ। कैसा लगा हमारा गांव? अरे बहुत बढ़िया है। क्या हुआ? अम्मा जी, फिर वही पेट में दर्द। अरे कैसा दर्द? अरे पेट खराब है अम्मा जी, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो हमारा शौचालय है ना, आप यहीं चली जाइए, और पानी भी अंदर ही रखा है। अंदर? हाँ, क्यों, क्या हुआ? उस बंद कमरे में। अरे आप जाइए तो, कोई बदबू नहीं है, एकदम साफ है। और अब आप इतनी दूर अपने घर कहाँ जाएंगी? और मुझे तो पता है कि आप बाकी लोगों की तरह खुले में तो जाती नहीं होंगी। चली जा। तो कैसा लगा हमारा शौचालय? अरे बहुत ही बढ़िया, इतना साफ सुथरा, बिल्कुल बदबू नहीं आ रही थी, और आराम भी, खासकर हम औरतों के लिए। अब आप ही बताइए, रात बिरात जाना पड़े तो पहले तो किसी के साथ चलने का रास्ता देखो, सांप बिच्छू का खतरा, और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत। अरे समझ आ जाती। बात तो अब आपकी समझ में आने लगी है ना? इसे देखिए, और अच्छे से समझ जाएंगे आप। देखिए, जब हम खुले में शौच के लिए जाते हैं तो हमारे मल पर मक्खियाँ बैठती हैं, और जो कीटाणु हमारे मल में होते हैं वो मक्खियों के जरिए हमारे घर में आकर हमारे खाने पर बैठते हैं, और फिर हमारे शरीर में। अच्छा, मतलब खुले में शौच करने के बाद हमारे पैर गंदे हो जाते हैं, और इससे कीटाणु हमारे घर तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल ठीक, और फिर हमारे हाथों, बर्तनों और खाने के जरिए हमारे शरीर में, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमेशा शौचालय का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ऐसा ना करें तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? दस्त और पोलियो जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब आप समझ गई होंगी, अगर बच्चों के मल को खुले में छोड़ दिया जाए तो गंदगी की वजह से दस्त होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, और पोलियो भी हो सकता है। अब तुम मुझे बताओ कि ये क्यों जरूरी है कि मल को सही तरह से निपटाया जाए? एक, क्योंकि मल में खतरनाक कीटाणु होते हैं। दो, ये कीटाणु हाथों, बर्तनों और खाने के जरिए हमारे शरीर में घुस के हमें बीमार कर सकते हैं। तीन, क्योंकि इन कीटाणुओं से दस्त और पोलियो जैसी बीमारियां फैलती हैं। सही जवाब है, मल को सही तरह से निपटाना चाहिए, क्योंकि मल में खतरनाक कीटाणु होते हैं। ये कीटाणु हाथों, बर्तनों और खाने के जरिए हमारे शरीर में घुस के हमें बीमार कर सकते हैं, और इन कीटाणुओं से दस्त और पोलियो जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। आप भी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे ही हाथ में है। अगर हम सब शौचालय का प्रयोग करें
और बच्चों के मल को सही तरह से निपटाएं तो हम बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारा स्वास्थ्य हमारे ही हाथ में है।